हेलो किड्स, वेलकम टू एवीआई अबैकस एंड वैदिक मैथ इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, हमने अपने रूबिक्स क्यूब के पिछले पार्ट में सीखा था कि हमें अपने टॉप लेयर का प्लस कैसे कंप्लीट करना है, और उसके बाद हमने मिडिल कॉलम्स को भी मैच किया था। अब हमारे टॉप लेयर के कंप्लीट होने में ओनली कॉर्नर्स आर लेफ्ट। तो अब हम सीखेंगे कि हमें अपने टॉप लेयर्स के कॉर्नर को कैसे कंप्लीट करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें देखना होता है कि क्या हमारा ये कॉर्नर अपने हाउस में है। हाउस क्या होता है, जैसे कि कॉर्नर होता है हमारा, उससे रिलेटेड थ्री कलर्स हमारे क्यूब में है या नहीं। जैसे इस कॉर्नर का हाउस है येलो, ग्रीन एंड ऑरेंज। यहाँ पर येलो और ऑरेंज तो है बट ग्रीन कलर नहीं है, इट मीन्स ये कॉर्नर अपने हाउस में नहीं है। चलो हम दूसरे कॉर्नर को देखते हैं। यहाँ हमारे हाउस के कौन कौन से कलर्स हैं, येलो, ऑरेंज एंड ब्लू। अब यहाँ पर हमारे पास येलो और ब्लू तो है बट ऑरेंज कलर नहीं है, इट मीन्स ये वाला कॉर्नर भी अपने हाउस में नहीं है। अब चलिए हम चेक करते हैं ये वाला कॉर्नर, क्या ये अपने हाउस में है, येलो, ब्लू एंड रेड। नो, इट इज ऑल्सो नॉट इन इट्स हाउस। नाउ वी विल चेक इट एंड दिस कॉर्नर इज प्रॉपरली इन इट्स हाउस। तो हम इसी कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे जो अपने हाउस में है। अब हम इसको ऐसे पकड़ेंगे कि हमारा जो कंप्लीट वाला कॉर्नर है वो अपने हाउस में है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यू आर यू वन एल वन यू आर वन यू वन एल। अब हम देखेंगे कि क्या कोई और कलर भी अपने हाउस में आया है। ये अपने हाउस में आ गया है, ये भी अपने हाउस में आ गया, क्योंकि यहाँ पे ऑरेंज ग्रीन और येलो कलर है और यहाँ पे भी ऑरेंज ग्रीन और येलो है, ये हम बाद में एडजस्ट करेंगे। अब ये वाला देखेंगे, येलो, ऑरेंज एंड ब्लू, यहाँ पे भी येलो, ऑरेंज एंड ब्लू है, इट मीन्स ये भी अपने हाउस में है और ये वाला कॉर्नर भी अपने हाउस में है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉर्नर हाउस में तो है पर उसकी कलर्स शफल हो रखे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने क्यूब को ऐसे पकड़ेंगे और अनमैच साइड को, अनकम्प्लीट कॉर्नर को अपने राइट साइड रखेंगे, और उसके बाद हमें क्या फॉलो करना है, आर वन डी वन आर डी आर वन डी वन आर डी। ये देखिए कॉर्नर अपने में आ गया है। हम आर वन डी वन आर डी जब तक करते रहेंगे तब तक ये प्रॉपर अपने इसमें नहीं आता है। अब ये करते टाइम हमारा ये बिगड़ गया, इट डजेंट मैटर, हमें अपने क्यूब की पोजीशन को चेंज नहीं करना है, हमें इसको यहाँ से ऐसे ही होल्ड करके रखना है। ओनली हमें टॉप लेयर को ऐसे टर्न करना है लेफ्ट साइड, ठीक है। अगेन सेम स्टेप, आर वन डी वन आर डी आर वन डी वन आर डी आर वन डी वन आर डी आर वन डी वन आर डी। अब ये देखिए हमारे चार नौ कॉर्नर्स कंप्लीट हो गए हैं और हम उस लेयर को घुमा के भी ऐसे मैच कर लेंगे। सो किड्स, नाउ आवर क्यूब इज कंप्लीटेड। होप यू ऑल गॉट इट वेरी वेल। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाय बाय।